ब्रेक के बाद खबर हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं फरीदाबाद की खबर की तरफ। फरीदाबाद के सेक्टर 12 के पास मौजूद खेल स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के आखिरी दिन खेल के बीच में ही आयोजक खिलाड़ियों को छोड़कर फरार हो गए। पूरे देश भर से आए बच्चों ने दोपहर से ही खेल परिसर में तोड़फोड़ और हंगामा शुरू कर दिया। बच्चों ने आयोजकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे 2000 से 5000 तक फीस के रूप में पैसे लिए हैं, लेकिन उन्हें ना तो रहने की कोई सुविधा दी है, ना ही खाने की कोई सुविधा मिली है और ना ही उन्हें मेडल या सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया है। जबकि कोच का कहना है कि उनके द्वारा कोई फीस बच्चों से नहीं लिया गया है। हमें ना कोई फैसिलिटी दी गई है, हर एक बच्चे से 2000 रुपए लिए गए हैं, ना हमें कोई पानी पीने की सुविधा, ना खाने खाने की सुविधा। हर एक बच्चा बाहर सोया है यहाँ पे। हमें 3 बार फाइट करा दी, इतना पीटे, हम इतने फाइट करे, हमने गोल्ड मेडल लाए, ना गोल्ड मेडल दिया गया। इन्होंने बोला था कि टी शर्ट और शूज देंगे, ना वो मिली हमें, ना मेरा बढ़िया का रियल गोल्ड मिलेगा, शूज मिलेंगे, हम लोगों को कैश प्राइज मिलेगा, ये सुविधा मिलेगी। सरकारी सर्टिफिकेट से ये कहा गया था कि हमें सरकारी जॉब मिलेगी। इस हमारे मम्मी पापा ने मेहनत करके हमें यहाँ तक भेजा, बट यहाँ जो भी बच्चा आ रहा है रो के जा रहा है, तकलीफ होके जा रहा है। हर कोई भी जो भी बॉयज आ रहा है यहाँ अपनी उम्मीदें लेके आया था, बट यहाँ उम्मीदें लगती नहीं है। ऐसी सुविधा बिल्कुल जगह, सब अपने पार्क में ऐसी उल्टे पुलटे सब लेटे हुए सर। यहाँ पर ऐसे कहा गया था कि रियल मेडल मिलेगा, टी शर्ट मिलेगी, जूते मिलेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर सर खाना की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर सर ऑर्गेनाइजर है वो भाग गया, ऐसे बोला कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर सर जो गेम में इवेंट होता है, पैसे भी लिए गए थे क्या? पैसे लिए गए थे। कितने पैसे लिए? किसी से अलग अलग सर, किसी अलग अलग लिए गए थे। कितने के? किसी से 1200, किसी से 1700, किसी से 3000 भी लिए गए। अच्छा, आज आपका फाइनल था? फाइनल था। फाइनल हुआ है क्या? ऐसे भी कहा था केजरीवाल भी आएगा, अक्षय कुमार भी आएगा, कैप्टन कैप्टन अभिमन्यु आलिया, फैजलपुरी आलिया सर, ये दो ही आए, ऐसे बोले बहुत चीफ गेस्ट आएंगे, कुछ नहीं आए। भाई साहब, मैंने गेम आयोजन किया, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी गेम अच्छे से आयोजित, प्रशासन का हमारे साथ सहयोग रहा, लेकिन कई कोच ऐसे रहे जिन्होंने बच्चों की एंट्री फीस जमा करके अपने पास रख ली और हमें समय पर हमारा पैसा वापस नहीं दिया। वो एंट्री फीस अभी तक भी उन्हीं के पास है। जब एंट्री फीस उनसे मांगी गई कि सर हमें पैसा दे दीजिए, बच्चों के जो इनाम है वो हमें वापस देने हैं, बच्चों के इनाम हमें आज फाइनल के डे वापस देने हैं, सब चीज़ हमने बुक कर रखी है, वो हमें वहाँ से जा करके लेकर आने हैं, तो इन्होंने उधर उधर की बात लगा के बोल दिया कि नहीं जी, हमारे पास 2000 रुपये 1000 रुपये ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई एंट्री फीस नहीं है। बच्चों से और कोचों से जब हमने पता करा कि आपने उन्हें फीस दी थी, तो उन्होंने साफ तौर पर हमें बताया कि हाँ सर, हमने उन्हें पहले ही फीस दी थी एडवांस में। कितने बच्चों की एंट्री हुई थी? सर तकरीबन 2000 के आसपास बच्चों की एंट्री हुई है, जिसमें से हमारे पास सिर्फ 200 से 300 बच्चों की एंट्री फीस आई है, बाकी सारी फीस विकास कमांडो मतलब विकास संधु और नासिर हुसैन जी के पास ही है। जो ये कौन है विकास संधु? विकास संधु जी दिल्ली से कोच हैं और निंजा स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नासिर हुसैन जी फरीदाबाद से कोच हैं कराटे के। इन्हीं के पास है सब? बिल्कुल सर, इन्हीं के पास है, मेरे पास रिकॉर्ड है, डेटा है, अभी तफ्तीश होगी, उसके अंदर सामने निकल के आ जाएगा। जिन जिन फीस पे हमने ली थी उन्हीं सभी एंट्री फॉर्म्स पे, टीम एंट्री फॉर्म पे हमारे सिग्नेचर है, जो इन्होंने ली थी उन पर किसी का सिग्नेचर नहीं। खिलाड़ियों का क्या, इनका बच्चों का क्या होगा? सर बच्चों की हम पूरी कोशिश करेंगे पूरी सांत्वना देने की, सर्टिफिकेट्स हमारे पास बिल्कुल तैयार हैं, मेडल्स हमारे रास्ते में थे, लेकिन पूरी पेमेंट ना होने की वजह से हम उन्हें अभी तक मंगवा नहीं पाए, वो रास्ते में ही हैं। सुनने में भी ये आया है, कुछ बच्चे मेरे से मिले थे, सीटीएम साहब, तहसीलदार साहब और हम मौके पर आए, कुछ बच्चों ने बताया हमारे से फीस ले ली गई, लेकिन वो सुविधाएँ नहीं दी गई जो कि इन्होंने कहा था कि हम आपको शूज देंगे, हम आपको टी शर्ट देंगे, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, हम आपको मेडल देंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि ऐसा हमें कुछ नहीं मिला और इसीलिए इन बच्चों में आक्रोश है। सर ये सर रास्ता झूठ है, और अगर ये मेरे पास कहते हैं कि मैंने कोचों की एंट्री रखी है, तो वो कोच मेरे सामने लाए कि वो कोच कह रहे कि हाँ इन्होंने मेरे से एंट्री ली है। मैंने किसी कोच से एंट्री नहीं ली है, जो एंट्री ली है वो इन्हीं के जो बंदे हैं उन्होंने एंट्री ली है। मैंने किसी से वो कह रहे हैं उनके पास पूरा प्रूफ है और जांच में सारा, तो वो दिखाए मुझे प्रूफ, अगर हमारा कहीं सिग्नेचर है या हमने कोई उनको रिसीविंग दिए या कुछ उनको हमने ऐसा कुछ दिया है, या कोई कोच हमसे कह दे कि हाँ हमें नासिर हुसैन ने एंट्री ली है, हमने इनसे कोई एंट्री फीस नहीं। आरोप लगा रहे हैं कि आपने पहले झूठ सरासर झूठ, आपने पहले ही पैसे उगा लिए नहीं, ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ इल्जाम लगाया है। ठीक है, ये तीनों के ऊपर हमारे मेरे ऊपर वीवी राणा सर के ऊपर और विकास कमांडो के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया है।
जो इनकी शिकायत है यहाँ पर आने पर पता चला है कि इन्होंने शिकायत भी हमारे पास दी है। हमने ये भी कहा कि आप शिकायत लिख के दे दीजिए। कहता जी हमें जो एंट्री फीस ली गई थी और उसके बदले में इनाम या टी शर्ट हर बच्चों को दी जानी थी, वो हमें कुछ नहीं मिला है। इस वजह से हमारे को कुछ भी नहीं मिला और इसी वजह से हम नाराज हैं। ऑर्गेनाइजर ने हमारे साथ ये कहा है। उनका आरोप है कि उनको जो है जूते ट्रैक सूट वगैरह और गोल्ड अलग से मिलता। हाँ, वो मेडल जो भी विनर है उसके लिए मेडल का ये कह रहे हैं और टी शर्ट्स या शूज हर पार्टिसिपेंट को इनका कहना कि मिलना था। हमने कहा कि आप शिकायत दे दीजिए और शिकायत दे के हम कंसर्न एसएसपी को भेज देंगे, एसीपी साहब के साथ में, तो उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी।